क्या मामा और भांजे का विवाद कभी खत्म नहीं होगा? जी हम बात कर रहे हैं कृष्णा अभिषेक और मामा गोविंदा के बारे में। और गोविंदा और कृष्णा अभिषेक का विवाद एक लंबे समय से चल रहा है, जिस विवाद के चलते ये दोनों हमेशा से ही सुर्खियों में छाए ही रहते हैं। अभी हाल ही में गोविंदा ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जिस खुलासे के बाद आप भी इस बात का कयास लगा सकते हैं कि मामा और भांजे का विवाद अब कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोविंदा बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेताओं में से एक है और उन्होंने इंडस्ट्री पर काफी लंबे समय तक राज भी किया है। आज भले ही वो इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब तरीके से नजर आ रहे हो, लेकिन सबके बावजूद उनका स्टारडम एक समय बड़े बड़े सुपरस्टारों पर भी भारी पड़ता था। तो वही दूसरी ओर अगर उनके भांजे कृष्णा अभिषेक की बात करें तो कृष्णा अभिषेक मौजूदा दौर में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। एक कॉमेडियन के तौर पर उन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाया, साथ ही बॉलीवुड की कई सारी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। लेकिन बात करें मामा भांजे की, तो इन दोनों का रिश्ता एक लंबे समय से काफी बुरे दौर से गुजर रहा है और हमेशा से ही इन दोनों को अगर एक दूसरे पर कटाक्ष करना होता है तो ये मौका बिल्कुल भी गवाते नहीं है। अब इन दोनों की अनबन हमें हर तरफ देखने को मिली है। इतने नहीं, दोनों के बीच की अनबन कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो दी कपिल शर्मा शो में भी देखने को मिली। दोनों के बीच की अनबन को काफी लंबे समय भी बीत गया है, लेकिन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि पिछले दिनों कृष्णा अभिषेक मनीष पॉल के चैट शो पॉडकास्ट में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने करियर से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बातचीत की। यहां उन्होंने गोविंदा के साथ अपने रिश्ते को भी लेकर कई सारी बातों का खुलासा भी किया और इसी दौरान कृष्णा अभिषेक काफी इमोशनल नजर आए थे और उन्होंने रोते हुए अपने मामा गोविंदा से माफी मांगी थी। वहीं अब गोविंदा भी मनीष पॉल के उसी शो में पहुंचे, जहां पर आज से कुछ समय पहले कृष्णा अभिषेक गए थे। कृष्णा अभिषेक ने वहां पर रोते हुए अपने मामा गोविंदा से माफी की गुहार लगाई थी, लेकिन इसी शो पर पहुंचते हुए गोविंदा ने सिरे से इस माफी को नकार दिया है। मनीष पॉल इस बारे में बातचीत करते हुए कहते हैं कि कृष्णा को अपने मामा के लिए यह प्यार ऑफ कैमरा भी दिखाने दो। गोविंदा ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि उसने मान लिया है कि मेरे कारण उसके जीवन में कुछ गलत हो रहा है। गोविंदा ने बात करते हुए आगे कहा कि कृष्णा की पत्नी यानी कश्मीरा शाह ने कृष्णा और नई जनरेशन के काम में दखल अंदाजी करने के लिए मना किया है। वहीं कृष्णा की माफी को लेकर गोविंदा ने यह भी कहा, चलिए ऑफ कैमरा भी प्यार देखते हैं। वो अच्छे से पला बड़ा लड़का है जो दिखता भी है, लेकिन उसे ये जानने की जरूरत है कि राइटर्स द्वारा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल होने की एक सीमा भी होती है। पत्रिका.com के एक्सक्लूसिव खबर में आने तो गोविंदा यही नहीं रुकते, वो आगे कहते हैं कि वो ये देखकर हैरान थे कि कृष्णा की पब्लिक में तो माफी मांग रहे हैं, लेकिन पर्सनल बात नहीं कर रहे। इसके अलावा उन्होंने अपने भांजे की आगे की जिंदगी की शुभकामनाएं भी दे डाली। उन्होंने कहा कि मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आराम करो, भगवान तुम्हारा भला करे। बताना चाहेंगे कि कृष्णा ने मनीष के पॉडकास्ट में कहा था कि बात यह है कि जब मैं इंटरव्यू में कुछ बोलता हूं तो चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। गोविंदा, मामा मैं आपसे वाकई बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और आपको बहुत याद करता हूं। लेकिन कृष्णा अभिषेक की इस माफी का जवाब देते हुए गोविंदा ने कहा है कि अगर कि वाकई उसने मुझसे माफी मांगनी है तो ऑफ कैमरा मेरे पास आकर माफी मांगे। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि कुछ इस तरह की लड़ाई अब मामा भांजे के बीच में चल रही है और ये लड़ाई काफी लंबे समय तक है। इसी के साथ ही गोविंदा के अगर वर्क फ्रंट की तरफ डालें तो जैसे कि भी जानते हैं कि गोविंदा एक लंबे समय से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से आउट है और उन्हें फिल्में ना के बराबर मिल रही हैं। आखिरी बार उन्हें फिल्म रंगीला राजा में देखा गया था, इसके बाद उनकी कोई भी बड़ी फिल्म सिनेमाघरों में नहीं रिलीज हो पाई है। हालांकि रंगीला राजा एक कॉमेडी से लबरेज फिल्म थी, जिस फिल्म में गोविंदा के डबल डबल किरदार थे, लेकिन सबके बावजूद फिल्म की खराब स्क्रिप्ट की वजह से दर्शकों ने इस फिल्म को सिरे से नकार दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई और आने वाले समय में गोविंदा को किसी भी निर्माता निर्देशक ने अपनी किसी भी फिल्म के लिए कास्ट नहीं किया। हालांकि सूत्रों की माने तो गोविंदा एक फिल्म के लिए जुड़ सकते हैं, जिस फिल्म का नाम शूट आउट एट बाइकुला बताया जा रहा है। फिलहाल गोविंदा खुद का यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जहां पर वो अपनी आवाज में कई सारे गानों को रिलीज कर चुके हैं।